हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने जो लेबर कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आप कैसे जो अपना लेबर कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जो आपका लेबर कार्ड बना है या नहीं बना है, मतलब जो आपका लेबर कार्ड है वो अप्रूव्ड हो गया या फिर अभी भी पेंडिंग में चल रहा है। तो इस वीडियो में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे ही और साथ में ये भी जानकारी लेंगे कि अगर आपका जो पेमेंट नहीं हुआ है तो आप जो पेमेंट कैसे कर सकते हैं या फिर जो कैसे अगर आपका लेबर कार्ड बन गया तो उसे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, लेबर कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना कोई सा भी जो ब्राउज़र है उसे खोल लेना है और ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च मारना है UPSSB और ये लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे आप ये लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आप उत्तर प्रदेश की वेबसाइट है तो वहाँ पे आप आ जाएंगे। और उसके बाद जैसे आप जो वेबसाइट में एंटर करेंगे तो उसके बाद जो आप देख सकते हैं हमारे पास जो नोवल कोरोना वायरस है तो उसका पॉपअप चल रहा है, उसके बारे में कुछ सावधानियाँ उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हैं या फिर यहाँ पर जो रोंग का बटन है, क्लोज का बटन, इस पर क्लिक करके आप इसे काट सकते हैं। और इसे काटने के बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद जो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन, जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर कामगार पंजीकरण आवेदन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो फिर से एक पॉपअप आएगा और ये पॉपअप इस बार जो कोरोना वायरस का पॉपअप नहीं है, इस बार ये बताया जा रहा है कि अगर आप लेबर कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या सावधानी बरतनी है, ये सब बताया गया है। तो अगर आपने लेबर कार्ड के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको ये सब ज़रूर पता होगा। तो इसको भी हम यहाँ से जो कट कर लेते हैं, इसे कट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है कि जो यहाँ पे नया श्रमिक पंजीकरण और उसका जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है लॉगिन करने का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप स्टेटस तभी चेक कर सकते हैं जब आपने जो अपना पंजीकरण कर रखा है या फिर अगर आपने लेबर कार्ड के लिए आवेदन कर रखा है। तो अगर आपने आवेदन कर रखा है तो आप अपना जो स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहला जो आपसे मांगा जा रहा है यूजर नाम। तो दोस्तों, यूजर आईडी आपको पता ही होगी कि आपका मोबाइल नंबर है, जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे पंजीकरण करते समय दिए थे वही मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे डाल देना है, वही आपका यूजर आईडी है। और दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड, तो दोस्तों अगर पासवर्ड की बात करें तो आपके जो मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर डाला था उस पर जो SMS के माध्यम से आपके पास पहले आ गया था जब अपना जो आप पंजीकरण करवा रहे थे, तभी आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड आ गया था। तो यूजर नेम में आपका मोबाइल नंबर ही था और पासवर्ड में आपको जो अपना मैसेज है जो कि आया था इनके तरफ से, वो मैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा और उसमें जो पासवर्ड लिखा हुआ है, जो नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और ये नंबर डालने के बाद आपको नीचे करना है और यहाँ पे आप जो देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है नीला कलर का लॉग इन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो आप एंटर कर जाएंगे वेबसाइट के अंदर और उसके बाद जो आप यहाँ पे 3 डॉट देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहला आ रहा है कामगार पंजीकरण। तो अगर आपने जो पंजीकरण पूरा नहीं किया है तो आपको इस पर क्लिक करके जो अपना पंजीकरण है उसे पूरा कर लेना है। अगर आपने पंजीकरण करते समय बीच में अपना पंजीकरण छोड़ दिया था किसी कारण से, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके जो अपना पंजीकरण है उसे पूरा कर लेना है फिर से। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा योजना, तो अगर आपका पंजीकरण हो चुका है, लेबर कार्ड भी बन चुका है और आपको पता है कि जो आपका लेबर कार्ड अप्रूव्ड हो चुका है, तो उसके बाद आप चाहे तो जो योजना है जो कि लेबर कार्ड के थ्रू मिलती है, तो इस पर क्लिक करके आप योजनाएँ भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों तीसरे नंबर पे शुल्क, तो शुल्क मतलब अगर आपने जो अपना फॉर्म तो पूरा भर लिया था, आपने पंजीकरण पूरा कर लिया था, लेकिन जो लास्ट में पैसे पे करने की बारी आती है तो उसमें अगर आपने पैसे पे नहीं किया था तो उसके लिए आपको इस शुल्क पे क्लिक कर देना है। और शुल्क पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने जो पैसे हैं 60 रुपया वो पैसे पे कर लेने हैं। और पैसे पे करने के बाद आपको जो नीचे दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है शुल्क का समाधान, तो जैसे आप पैसे पे कर देंगे तो उसके बाद ही जो आपका स्लिप है वो जनरेट हो जाता है। तो आप शुल्क का समाधान पे क्लिक करके यहाँ से अगर आप चाहे तो जो आपका स्लिप है जो कि आपने पेमेंट किया है उसकी जो रसीद है वो रसीद भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो सबसे लास्ट में लगभग यहाँ पे आपको जो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके चाहे तो जो उसे डाउनलोड कर सकते हैं रसीद को। और उसके बाद जो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे लास्ट का ऑप्शन आ रहा है आवेदन देखें,
तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपका लेबर कार्ड अगर आपने अप्लाई किया है और आपने पेमेंट वेमेंट भी सब कुछ कर दिया है, तो उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं कि जो आपका लेबर कार्ड है वो बन के तैयार हुआ है या नहीं हुआ, या फिर सरकार को थोड़ा अप्रूव्ड हुआ है या फिर अभी भी पेंडिंग चल रहा है, तो उसके लिए आपको जो ये आवेदन देखे है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आवेदन देखे पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा, यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया है तो उसके बारे में कुछ जानकारी आपने को देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे मेन अगर आपको चेक करना है कि जो आपका अप्रूव हुआ है या फिर पेंडिंग में चला है, तो उसके लिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्थिति, तो आपको वहाँ पर स्थिति वाले कॉलम में जाके आपको नीचे देख लेना है। अगर पेंडिंग लिखा है तो इसका मतलब जो आपका लेबर कार्ड अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है, या हो सकता है कि आपने पेमेंट नहीं किया हो इसीलिए जो आपका लेबर कार्ड अभी भी पेंडिंग में चल रहा है, तो आपको देख लेना है कि आपने पेमेंट की है या नहीं की है। अगर पेमेंट नहीं की है तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, वैसे जाकर आपको पेमेंट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर आगे देख लेना है, अप्रूव्ड हो जाएगा। और अगर आपने पेमेंट में सब कुछ कर दिया है तो आप जो यहाँ से देख सकते हैं आपका अप्रूव लिखा हुआ आ जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आपका अप्रूव लिखा हुआ आ गया यानी कि लेबर कार्ड बन गया, तो उसके बाद आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए आपको जो यहाँ पे डॉट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें नीला नीला सा भर जाएगा और उसके बाद आप जो यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने जो कुछ तीन तरह का ऑप्शन खोल के आ जाएगा। इन तीन तरह के ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आवेदन विवरण प्रिंट करें, मतलब आपने जो आवेदन किया था आपने क्या क्या जानकारियाँ भरी है वो सब आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं कि आपने आवेदन करते समय कौन कौन सी जानकारी भरी है, ताकि अगर आपका अप्रूव नहीं होता या फिर पेंडिंग में चल रहा है तो आप इसे जो दोबारा जाँच कर सके कि आपकी क्या क्या गलती रही है जिसके कारण आपका पेंडिंग चल रहा है या अप्रूव नहीं हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं आवेदन विवरण संपादित करें, मतलब अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आप यहाँ से भी जाके जो अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद जो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे लास्ट का जो ऑप्शन आ रहा है प्रिंट प्रमाण पत्र, तो अगर आपका जो लेबर कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है तो आप इसको क्लिक कर देंगे इस पर। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका लेबर कार्ड है वो खुल के आ जाएगा और उस पर आपको अपना फोटो और सब कुछ जो भी आपने जानकारी भरी है वो सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। सब कुछ देखने के बाद आपको जो प्रिंट वाला ऑप्शन है जो कि सबसे ऊपर कॉर्नर में होता है उल्टे हाथ की तरफ, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो आप प्रिंट कर सकते हैं उसे, या फिर आप चाहे PDF के रूप में इसे सेव कर सकते हैं और किसी दुकान में जाके वहाँ से आप उसे प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि आप कैसे जो अपना लेबर कार्ड की स्थिति चेक कर सकते हैं कि आपका लेबर कार्ड बना है या नहीं बना है, और अगर बना है तो आप उसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।